नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें 23 अप्रैल से पहलवानों का धरना यहां पर चल रहा है, आपको पता है। और आज 7 मई है और 7 मई को आज जिस तरह से खाप पंचायतों ने कॉल दिया है जंतर मंतर पर धरने के लिए, और जंतर मंतर पर पूरे देश से, हरियाणा पंजाब से खाप पंचायतें, उत्तर प्रदेश से आई हैं, आ रही हैं। और यहाँ पर पुलिस बल का जिस तरह से आप देख रहे हैं उसकी साथ में तैयारी है पुलिस बल की, ये पुलिस बल मौजूद है। और खाप पंचायतों को जिस तरह से देखा, आज आने का जो प्रोग्राम है, आंदोलन बड़ी कॉल है, तो आप देख सकते हैं ये पुलिस बल का ये पूरी तरह से तैयारी है के पूरी व्यवस्था को बनाए रखा जाए। करीब करीब 2 से 5 हज़ार लोग आ सकते हैं ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, पुलिस के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो खाप पंचायतों की जिस तरह से तैयारी हो रही है, खाप पंचायत के लोग जिस तरह से आज जंतर मंतर पर आने की जो कोशिश कर रहे हैं, पहलवानों के लिए, पहलवानों के समर्थन में जिस तरह से खाप पंचायतों ने ऐलान किया था, उसी के बाद से पुलिस प्रशासन का काफ़ी चौकन्द हो गई। पुलिस प्रशासन का काफ़ी तगड़ा इंतजाम देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं आप इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल यहाँ आज मौजूद रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं किस तरह से आज की जो तैयारियां हैं पुलिस बल के द्वारा, आप देख सकते हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि सही तरह से फोकस करके दिखाएं कि आज की जो तैयारियां हैं, दिल्ली पुलिस अभी पूरी तरह से तैनात हो चुकी है। आप देख रहे हैं मेरे बता रहा हूँ उधर जिस तरह से जो पहलवान हैं वो अपना धरना दे रहे हैं, और खाप पंचायत का एक कॉल के बाद 7 मई को जिस तरह से उन्होंने कॉल दिया था उसके बाद उधर जिस तरह से पहलवानों का धरना चल रहा है। और इधर आप देख रहे हैं कि पुलिस बल का काफ़ी बड़ा इंतजाम है, प्रशासन का काफ़ी इंतजाम है कि चीज़ों को सही ढंग से बनाई रखी जाए, व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखा जाए कि कोई भी चीज़ें अव्यवस्था ना फैल सके। इसीलिए पुलिस बल भी अपनी तरह से पूरी कोशिश में रहेगा। आज खाप पंचायत के जो नेता लोग आ रहे हैं उनको सीधा निर्देश है कि वो ना तो पार्लियामेंट की तरफ जा सकते हैं, ना संसद मार्ग की तरफ जा सकते हैं, संसद भवन की तरफ, ना पीएम हाउस की तरफ, ना राष्ट्रपति भवन की तरफ। वो जो खाप पंचायत के जो नेता हैं, लीडरान हैं, वो जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके अलावा उनको कोई आगे की अनुमति नहीं मिलेगी, ये बताया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी ने जिस तरह से अनाउंस किया है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से पुलिस प्रशासन अपनी पूरी कोशिश में है, मुस्तैद है। जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस के जवान, जिस तरह से किसानों ने जब ये कॉल दिया था 7 मई को आने का, उसके बाद आज जब खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतों के जो कुछ नेता हैं, तो हर खाप पंचायत के अलग अलग नेता होते हैं, वो अलग अलग तरीके से आएंगे, तो इसके बाद दिल्ली पुलिस का काफ़ी बड़ा तगड़ा इंतजाम है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी अव्यवस्था ना फैल सके, अच्छी तरह से व्यवस्था बनाई जा सके। इसको लेके पुलिस के बड़े आला अधिकारियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस की बटालियन जंतर मंतर पर पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंची हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी असुरक्षा, कोई भी अव्यवस्था ना बिगड़ सके। चीज़ों को दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर के अंदर जहां प्रोटेस्ट साइट चल रहा है उधर एंटर हो चुके हैं। आप इन चीज़ों को तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आज का जो बड़ा इंतजाम है, व्यवस्था को बनाए रखा जाए, जिस तरह से लोग आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी हैं, खाप पंचायतों के लोग हैं, वो आ रहे हैं, उसी को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हैं। अब आगे की चीज़ें क्या कुछ होंगी ये आप जान सकते हैं। और जिस तरह खाप पंचायतों के अनाउंसमेंट के बाद से जब चीज़ें पहलवानों के लिए ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ना होने पर खाप पंचायतों ने एक बड़ी कॉल दी है,
और पूरे देश की खपत है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोग यहाँ और किसान नेता भी आज जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। इसी को लेके आज पुलिस प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से काफ़ी बड़ा इंतजाम है, जिससे कि कोई भी अव्यवस्था ना फैल सके, सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। इस वजह से आप ये काफ़ी अच्छा सही इंतजाम किया जा रहा है, तगड़ा इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस की काफ़ी बड़ी मौजूदगी है, काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन है, बताया जा रहा है जिस तरह से कि चीज़ों को सही ढंग से बनाए रखा जाए, कोई भी चीज़ अव्यवस्था ना फैले। दिल्ली के जंतर मंतर का ये नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पुलिस प्रशासन ने जो तैयारी की है उसको देखकर आप कह सकते हैं कि आज जिस तरह से माहौल है वो शांतिपूर्ण ढंग से कराने की जो बात है, मीटिंग है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। जो खाप पंचायतों के बाद से चीज़ों को, जो खाप पंचायतों की कॉल के बाद से पूरी तैयारी की जा रही है, पुलिस प्रशासन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ों को सही ढंग से बनाए रखी जाए, कोई भी अव्यवस्था ना फैल सके। इसीलिए दिल्ली पुलिस भी अपने पूरी अभी से उन्होंने तैयारी की है कि चीज़ें सही ढंग से हो सकें, जिस तरह से खाप पंचायतों के जो लोग हैं वो अपनी सही ढंग से अपनी मीटिंग करें, आगे की जो चीज़ें हैं, तैयारियाँ हैं, वो सही ढंग से की जा सके। हम आगे की बातें चीज़ें और भी दिखाएंगे, आगे और भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ, सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। आगे जिस तरह से ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं, अभी तक जो FIR हुई है उसके बाद से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेके यहाँ पर जंतर मंतर पर खाप पंचायतों की जो बड़ी यहाँ कोशिश की जा रही है कि वो जो महिला पहलवान हैं जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उन पर सही से कार्रवाई की जा सके। आप आज कुछ क्या होने वाला है, आप HNP न्यूज़ पर पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए। मैं DS गौतम, धन्यवाद।